पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे चेहरे पर हो गए हैं छोटे छोटे दाने, जाने इसके फंगल, जाने इसके कारण और बचाव के तरीके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिलाएं हो या पुरुष, सभी की चाहत होती है कि उनका चेहरा बेदाग और गुड़िंग दिखाई दे, लेकिन कई बार केयर करने के बाद भी लोगों के चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जिनसे चेहरे की खूबसूरती कम होती है। दरअसल वर्तमान समय में प्रदूषण, गंदगी, पसीना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। इसके साथ ही कई तरह के स्किन ट्रीटमेंट का सहारा भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के चेहरे पर छोटे दाने हो जाते हैं, जिन्हें वह ब्लैक हेड्स समझते हैं, जबकि असल में ये ब्लैक हेड्स नहीं बल्कि सेबेसियस फिलामेंट्स होते हैं। चेहरे पर छोटे छोटे दाने क्यों निकलते हैं? चेहरे पर निकलने वाले छोटे छोटे दानों को कई बार लोग ब्लैक हेड्स समझ लेते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे दाने सेबेसियस फिलामेंट होते हैं। सेबेसियस फिलामेंट को पहचानना बेहद आसान होता है। अगर आपके चेहरे पर निकले हुए दानों को छूने पर ये सॉफ्ट लगते हैं तो ये सेबेसियस फिलामेंट्स हैं। वहीं अगर इन्हें छूने पर खुरदरापन महसूस होता है तो ये ब्लैक हेड्स हो सकते हैं। सेबेसियस फिलामेंट्स और ब्लैक हेड्स में बहुत अंतर होता है। पहला, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण सेबेसियस फिलामेंट्स की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई बार त्वचा पर ज्यादा उत्पन्न होने लगता है। दूसरा, अगर त्वचा को सही तरीके से साफ नहीं रखा जाता है या फिर ज्यादा मेकअप किया जाता है तो इसे सोने से पहले साफ ना किया जाए तो यह भी सेबेसियस फिलामेंट्स का कारण बन सकता है। तीसरा, त्वचा में अधिक तेल उत्पादन भी सेबेसियस फिलामेंट्स का कारण बन सकता है। सेबेसियस फिलामेंट्स क्या है? सेबेसियस फिलामेंट्स स्किन में होने वाली सेबेसियस ग्लैंड से निकलने के ऊपर सतह पर ऑयल लाने का काम करने वाले एक धागे की तरह काम करता है। ये क्लॉक स्पोर्ट्स नहीं होता है, ऐसे में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। नियमित रूप से रेटिनॉल और सेलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करने से सेबेसियस फिलामेंट्स की समस्या को कम किया जा सकता है। खान पान और त्वचा की साफ सफाई में हमेशा ध्यान रखें। सही तरीके से त्वचा की सफाई करना सेबेसियस फिलामेंट्स को कम करने में मदद कर सकता है। आप अपने चेहरे को साफ करने के लिए अच्छे केमिकल फ्री फेस वॉश या आप लिक्विड से भी साफ कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को सेबेसियस फिलामेंट्स की समस्या होती है उन्हें ऑयली और तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए। स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप सब्जी यानी हरी सब्जी और फलों को डाइट में अवश्य शामिल करें। फल मौसम के हिसाब से यूज करें, जो मौसम चल रहा है उस मौसम का फल खाएं तो इन तकलीफों से आपको बचा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।